हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज की क्लास में हम डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिजीजे के बारे में पढ़ने वाले हैं आप में से एक स्टूडेंट था जिसकी रिक्वेस्ट थी कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो हेयर इट इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक जेनेटिक डिसीजे तो किस तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनका हम मोलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हैं ये आज का टॉपिक है अब इसके अंदर इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते क्या है तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स बेसिकली होते हैं ड्यू टू ऑल्टरेशन इन द डीएनए तो अगर डीएनए के अंदर कुछ भी ऑल्टरेशन हो जाता है तो उसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं अराइज होते हैं और ये अफेक्ट करते हैं अमाउंट ऑफ जीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड तो अगर जीन में डीएनए में अगर ऑल्टरेशन हो गया है तो उसकी वजह से जो भी उसका प्रोडक्ट होगा यानी प्रोटीन एम आर एन ए वगैरह उनका जो लेवल होगा अमाउंट होगा वो भी चेंज हो जाएगा तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में जेनेटिक डिजीजेस क्या होती है ये हमने डिस्कस कर लिया अब अगर हम बात करें कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या है तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस बेसिकली है कि जिसके थ्रू कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू हम पर्सन की हेल्थ के बारे में पता लगा पाते हैं एट मॉलिक्यूलर लेवल मॉलिक्यूलर लेवल पे उस ऑर्गेनिज्म की उस पेशेंट की उस पर्सन की हेल्थ कैसी है ये चीज हम देख सकते हैं मॉलिक्यूलर लेवल बेसिकली हम बात कर रहे हैं जेनेटिक जो भी सीक्वेंसेस हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर प्रोटीन जो भी वो बना रहे हैं उन सबको हम स्टडी कर सकते हैं तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हम मॉलिक्यूलर लेवल पे हेल्थ को एक्यूरेटली मैप कर पाते हैं अब ये जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की प्रोसेस होती है काफ़ी रिलायबल मार्कर होता है काफी अच्छा मार्कर होता है इससे हमें ये सब चीजें पता चल जाएंगी कि वेदर दी पर्सन इज प्री डिस्पोज टू गेट अ डिजीज उसे डिजीज हो सकती है कि नहीं या फिर उसके पास एक्चुअल में वो डिजीज हो रखी है उस पेशेंट को या नहीं या फिर अगर उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए तो वो ट्रीटमेंट किस तरीके से होगी वो सारी चीजें हम मोलिकुलर डायग्नोसिस में पढ़ते हैं अब इस पूरे टॉपिक में बेसिकली हम टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम मोलिक्युलर डायग्नोसिस को कैरी आउट कर सकते हैं तो बहुत सारी टेक्निक्स है मैं जनरलाइज आपको कुछ टेक्निक्स के बारे में बता रही हूं तो मोलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स डायग्नोस्टिक टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं जो डायग्नोसिस के लिए यूज होती हैं टेक्निक्स तो इसके लिए हम एक टेक्निक का यूज करते हैं जिसे फिश बोला जाता है एफ आई एस एच फिश होता है फ्लोरोसेंट इन सी टू हाइब्रिडाइजेशन फ्लोरोसेंट इन सी टू हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस इस प्रोसेस में करते क्या है एक्चुअली इस टेक्निक में होता क्या है तो ये जो प्रोसेस होती है इसके अंदर हम एक लेबल्ड डीएनए या आर का यूज करते हैं जो कि फ्लोरोसेंटली लेबल्ड होगा मतलब वो फ्लोरोसेंस उसके कुछ न्यूक्लियोटाइड्स जो होंगे फ्लोरोसेंटली लेबल्ड होंगे उस डीएनए या आरएनए को हम यूज करते हैं टू तो टारगेट अ पर्टिकुलर सीक्वेंस तो एक सीक्वेंस है जिसकी डिटेक्शन हमें करनी है तो उस सीक्वेंस के लिए आप डीएनए या आर को यूज करो और वो लेबल्ड होना चाहिए तब जाके वो टारगेट से जब भी बाइंड करेगा तो हम उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे या क्वांटिफाई कर पाएंगे कि कितना टारगेट सीक्वेंस जो है वो अवेलेबल है क्योंकि जितनी ज्यादा फ्लोरोसेंस उतनी ज्यादा टारगेट सीक्वेंस जो होगा वो क्वांटिफाई हम कर सकते हैं दूसरी प्रोसेस जो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं पीसीआर पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो वो भी मैं आपको बता देती हूं जैसे मान लो कि आप एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है जिसकी आप स्टडी करना चाहते हो कि वो प्रेजेंट है या नहीं तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए आप स्पेसिफिक प्राइमर डिजाइन कर सकते हो और उन प्राइमर्स को डिजाइन करके जब भी आप उस डीएनए सैंपल में डालोगे तो अगर एम्प्लीफिकेशन आपको मिलती है तो यानी वो पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस वहां पे प्रेजेंट है तो इंक्रीज होता है इन द स्पेसिफिक डीएनए जो कि एक सैंपल में आपको मिल रहा है तो उसके लिए हम पीसीआर भी कर सकते हैं तीसरी एक टेक्निक होती है जिसे आर एफ एल पी बोलते हैं आर एफ एल पी एक टाइप का मार्कर होता है जिसे रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमोरफिज्म नाम से हम जानते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमोर्फिजम लेंथ पॉलीमोर्फिजम तो ये बेसिकली एक टाइप की टेक्निक होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि सेम डीएनए सैंपल जो आपको मिला दो डिफरेंट इंडिविजुअल से उस डीएनए सैंपल को आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करवाओगे और अगर रेस्ट्रिक्शन साइट पे म्यूटेशन हो गई है वहां पे कुछ ऑल्टरेशन हुआ है तो उसकी वजह से जो भी फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे दोनों इंडिविजुअल्स के अंदर दोनों सैंपल्स के अंदर तो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट की लेंथ में पॉलीमोर्फिजम आपको दिखता है क्योंकि फ्रेगमेंट सेम के नहीं मिल पाते तो कोई भी जीन जो डिजीज कॉज कर रही है उससे रिलेटेड आप आर एफ एल ढूंढो और उसके अकॉर्डिंग पूरी टेक्निक का यूज कर सकते हो आप मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के लिए फोर्थ टेक्निक अगर हम बात करें तो फोर्थ होती है जिसे हम माइक्रो एरे बोलते हैं माइक्रो एरे जनरली यूज किए जाते हैं एक्सप्रेशन लेवल को स्टडी करने के लिए तो अगर आप लार्ज नंबर ऑफ जीन्स हैं आपके पास उनके अंदर आप डिटेक्शन करना चाहते हो कि वेदर अ पर्टिकुलर जीन इज एक्सप्रेसिंग और नॉट देन यू कैन यूज माइक्रो एरेज क्योंकि ये मेजर करते हैं एक्सप्रेशन लेवल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जीन्स इन अनलिमिटेड टाइम तो उसके लिए माइक्रो एरेज का हम यूज कर सकते हैं या फिर एक और टेक्निक होती है जिसे हम सीक्वेंसिंग बोलते हैं तो अगर आपको पता है कि वहां पे ऑल्टरेशन हुआ है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे तो उसका सीक्वेंस नॉर्मल सीक्वेंस से कुछ वेरिएबल होगा वेरी करेगा तो उसे भी आप अगर सीक्वेंसिंग उस पर्टिकुलर सीक्वेंस की करवाओगे तो उस केस में भी आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड और उसके अकॉर्डिंग ये चीज देख सकते हो कि आपका वो पर्टिकुलर पर्सन जो है उसके अंदर जेनेटिक डिजीज है या नहीं अब कुछ जेनेटिक डिजीजेस हैं जिनका मैं एग्जांपल लेके उनकी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में आपको बताऊंगी तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की डिजीज से तो इसे हम क्लियर कर लेते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है इसके बारे में मैं आपको पहले जनरल सेंस में कुछ इंट्रोडक्शन दे देती हूं तो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर तो ये जो डिसऑर्डर है ये आपको मेल और फीमेल दोनों टाइप के इंडिविजुअल्स में मिल सकता है क्योंकि ये ऑटोजोमल है और रिसेसिव इसका मतलब कि ये जो भी कैरेक्टर है वो जेनरेशन को स्किप कर सकता है ये डिसऑर्डर जो है जेनरेशन को इजिली स्किप कर सकता है अगर आप इसके सिम्टम्स की बात करो तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जिस भी पेशेंट को होता है उसके लंग्स में थिक स्टिकी म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस होने लगता है जिसकी वजह से जो भी रेस्पिरेटरी एयरवेज होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं तो वो चीज़ आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस में देखने को मिलेगी यहाँ पे जनरली सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है ड्यू टू दी एबनॉर्मैलिटी इन द प्रोडक्शन एंड फंक्शन ऑफ सी एफ टी आर तो सी एफ टी आर या तो ज्यादा प्रोड्यूस होगा या कम प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है इसका फंक्शन अगर ये नॉन फंक्शनल हो जाए तो भी सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है इसको बोलते क्या है तो ये होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर तो यहां लिख रही हूं मैं सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर कंडक्टेंस रेगुलेटर तो ये एक टाइप की प्रोसेस होती है आ, बेसिकली ये एक टाइप का रेगुलेटर होता है जो कि क्लोराइड चैनल की तरह काम करता है क्लोराइड चैनल तो क्लोराइड आयंस की मूवमेंट में ये हेल्प करेगा एक ट्रांस मेम्ब्रेन एक प्रोटीन मान सकते हो आप इसे तो वो होता है ये कहां पे इसकी जीन लोकेटेड होती है तो इसको बनाने वाली जीन लोकेटेड होती है ऑन क्रोमोजोम नंबर सेवन लोकेटेड ऑन क्रोमोजोम नंबर सेवन इन ह्यूम्स तो ये याद रखोगे तो अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो जाए इसकी जीन में म्यूटेशन हो जाए तो सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है अगर इसके मैथड ऑफ डिटेक्शन की बात करें तो इसके लिए तीन मैथड्स हम कॉमनली यूज करते हैं मैथड्स फॉर डिटेक्शन तो इसमें मैं आपको सबसे पहला मैथड बता रही हूं वो है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं इसे यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के थ्रू आप इसे इजीली डिटेक्ट कर सकते हो तो इसके लिए आप क्या करोगे हाइब्रिडाइजेशन आप करवा रहे हो तो इसके लिए आपको प्रोब की जरूरत होती है तो ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड मतलब शॉर्ट सीक्वेंसेस uh, होते हैं कुछ न्यूक्लियोटाइड से बने हुए जिन्हें हम प्रोब्स बोलते हैं तो ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड प्रोब बोला जाता है तो हम दो टाइप के प्रोब्स डिजाइन करेंगे एक जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा नॉर्मल सीक्वेंस के और दूसरा जो कि म्यूटेटेड सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो कौन सा प्रोब जाके बाइंड करेगा उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि उस पेशेंट में उस पर्सन में सिस्टिक फाइब्रोसिस है या नहीं तो हम प्रोब्स का यूज कर सकते हैं इसके लिए बेसिक प्रोसेस जो होती है वो पहले हमें पीसीआर करना पड़ता है चेन रिएक्शन करोगे करोगे आप उसके बाद ब्लॉट ट्रांसफर उस पर्टिकुलर डीएनए के सीक्वेंस को ब्लॉटिंग करोगे ब्लॉटिंग के बाद फिर आप हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हो क्योंकि जो ब्लॉट आपको मिलता है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे उसके ऊपर आप प्रोब को डालते हो तो हाइब्रिडाइजेशन करोगे और जहां जहां प्रोब ने बाइंड किया वहां वहां आपको ईजिली डिटेक्शन हो जाएगा उस रीजन का पता चल जाएगा क्योंकि प्रोब्स जनरली जो हम यूज करते हैं वो फ्लोरोसेंट प्रोब्स होते हैं तो वहाँ पे शाइन करेगा फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करेगा और आपको दिख जाएगा कि इस जगह पे आपको वो पर्टिकुलर म्यूटेटेड सीक्वेंस प्रेजेंट है नेक्स्ट टाइप की जो डिटेक्शन मेथड है जो हम यहाँ यूज करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए वो होता है यूजिंग पीसीआर तो पीसीआर में जैसे मैंने आपको पीछे बताया था तो इसके लिए आप प्राइमर्स डिजाइन करोगे उस स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस के लिए तो आप म्यूटेटेड जीन लो नॉर्मल जीन लो दोनों के लिए प्राइमर्स बना दो और जिसमें बैंड दिखेगा उसका मतलब कि वो पर्टिकुलर जीन या तो नॉर्मल है या फिर म्यूटेटेड है तो अगर म्यूटेटेड प्राइमर्स जो आपने बनाए थे म्यूटेटेड वाले जीन सीक्वेंस के लिए वहां पे आपको बैंड दिखता है इसका मतलब म्यूटेट हो गया है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है और उसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है और अगर नॉर्मल सीक्वेंस स्पेसिफिक प्राइमर्स का जब आपने यूज किया था वहां पे आपको बैंड दिख रहा है तो इसका मतलब वो पर्सन नॉर्मल है उसे सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं है तो ये चीज आप इजीली पीसीआर की हेल्प से भी डिटेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट टेक्निक का जिसका हम यूज करते हैं वो होती है आर एफ एल पी तो आर एफ एल पी रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमोरफिजम का भी आप यूज कर सकते हो तो अगर किसी जीन में माइन्यूट भी वेरिएशन होते हैं थोड़े से भी वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं तो जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डाइजेशन का पैटर्न होगा मतलब रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स जो प्रोड्यूस होंगे उनका पैटर्न आपको अलग तरीके का दिखेगा जैसे कि अगर मैं आरएफएलपी का आपको जेल पिक्चर दिखाऊं तो इस तरीके की आपको दिखेगी अगर आपके पास एक नॉर्मल पर्सन है तो उसके अंदर आपको दो बैंड्स या तीन बैंड्स दिखने चाहिए डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट्स एक पर्टिकुलर एंजाइम की लेकिन अगर वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो डिजीज है तो उसके अंदर म्यूटेशन हो गया होगा उस पर्टिकुलर जीन में जिसकी वजह से वहां पे सिर्फ आपको एक सिंगल बैंड दिखेगा तो वो चीज से इस चीज से आप इजीली बता सकते हो कि वो पर्टिकुलर डिजीज किसी भी पर्सन को हुई है या नहीं तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस के मेथड से जिनसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिक्कल सेल अनिमिया तो अगर सिक्कल सेल अनिमिया है किसी पेशेंट को या नहीं है ये हम डिटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से मेथड्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं तो वो मैं अब आपको बताने जा रही हूं सिक्कल सेल अनीमिया अब सिक्कल सेल अनिमिया जो होता है ये भी सिस्टिक फाइब्रोसिस की तरह ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज कंसिडर की जाती है ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है ये भी अब यहां पे आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना वो ये कि सिकल सेल एनीमिया जो है इस केस में रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो सिकल शेप्ड हो जाते हैं तो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बाय कॉन्केव शो करते हैं शेप लेकिन सिकल सेल्स जो होते हैं उनमें रेड ब्लड सेल्स सिकल शेप्ड हो जाते हैं धराती के आकार के हो जाते हैं जिससे घास काटते हैं वैसी शेप हो जाती है और ये जनरली होता है ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन तो पॉइंट म्यूटेशन होता है एक सिंगल बेस में चेंज होता है जिसकी वजह से आपको ये देखने को मिलता है अब जब भी कोई रेड ब्लड सेल सिकल शेप के हो जाएंगे तो उसके अंदर आपको रैपिड डिस्ट्रक्शन मिलेगी रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स जो होंगे वो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे टूट जाएंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी बेसिकली और जो भी सिकल सेल वाली जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं वो जीन्स लोकेटेड कहाँ होती हैं तो उसकी अगर हम बात करें तो इसकी जीन जो होती है वो आपको मिलेगी ऑन क्रोमोजोम नंबर 11 जैसे पीछे क्रोमोजोम नंबर 7 था यहाँ क्रोमोजोम नंबर 11 होता है जहाँ पे ये जीन लोकेटेड होती है तो नॉर्मल सिक्वेंस जो होता है वो जी होता है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कोडॉन में बाद में ये जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है अगर म्यूटेशन हो जाए तो GTG बना देता है यानी म्यूटेटेड सीक्वेंस है क्योंकि ए होना चाहिए था लेकिन टी प्रेजेंट है तो क्या होगा अगर नॉर्मल होगा तो नॉर्मल जो कोडॉन है वो ग्लूटामिक एसिड बनाता है एसिड एसिड अमीनो को कोड करता है अगर GTG होता है, तो वो कोड करता है वैलीन को तो आप देख सकते हो कि अमीनो एसिड चेंज हो गया अमीनो एसिड चेंज होने से प्रोटीन का सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगा अब कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे आप सिक्कल सेल अनिमिया को डिटेक्ट कर सकते हो तो इसके लिए एक मेथड होता है आर एफ एल पी आर एफ एल पी का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो आर एफ एल पी में आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी होती है कि नॉर्मल जो एच बी ए जीन होती है नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन की बीटा वाली बीटा ग्लोबिन जो चेन होगी उसके अंदर थ्री एम एस टी टू एंजाइम की साइट्स होती हैं तीन साइट्स होती हैं लेकिन अगर म्यूटेशन हो जाए यानी सिक्कल सेल वाला हीमोग्लोबिन बन जाए सिक्कल सेल इसे बोला जाता है एच तो ये बन जाए तो वहां पे दो ही एम एस टी टू एनजा आपको मिलेंगी तीन नहीं मिलेंगी तो आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स में क्योंकि डिफरेंस आ गया है इस वजह से इजीली इसे डिटेक्ट कर सकते हो तो अगर आपके पास एक नॉर्मल पर्सन है तो उसके अंदर दो बैंड्स मिलेंगे अगर आपके पास कैरियर पर्सन है तो उसके केस में तीन बैंड्स मिलेंगे और अगर वो सिक्कल सिक्कल वाला है सिक्कल सेल एनीमिया उस पेशेंट को हुआ है तो आपको सिंगल बैंड मिलेगा तो उससे नंबर ऑफ बैंड से आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर मेथड में कितने आ, मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन में कौन सा डिजीज हुई है या नहीं सिक्कल सेल एनीमिया हुआ है या फिर वो पर्सन जो है वो नॉर्मल है तो एक आर एफ एल पी होता है इसके बाद एक टेक्निक होती है जिसे हम बोलते हैं सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन तो वो भी हम परफॉर्म कर सकते हैं सेकेंड टेक्निक सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन अब ये जो प्रोसेस होती है इसमें क्या करते हैं सदन ब्लॉटिंग आपको पता है डीएनए के लिए की जाती है तो डीएनए के जो भी डीएनए हम यूज करें जिसको भी हमें डिटेक्ट करना है उसके लिए हम प्रोब्स डेवलप करते हैं क्योंकि ब्लॉटिंग कर रहे हैं तो प्रोब का हम इस्तेमाल कर सकते हैं एंड ये प्रोब जो होता है जनरली ये स्पेसिफिक होता है टू द बीटा ग्लोबिन जीन बीटा ग्लोबिन जीन के स्पेसिफिक प्रोब हम डेवलप करते हैं और इसमें जैसे कि हमें आर एफ एल पी में बैंड मिलते हैं वैसे ही बैंड यहाँ भी मिलते हैं नंबर ऑफ बैंड्स का वही कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे भी तो इस प्रोसेस के थ्रू भी ईजिली हम डिटेक्ट कर सकते हैं सिकल सेल सेलिमिया है किसी पेशेंट को या नहीं है थर्ड टेक्निक जो होती है उसे बोलते हैं पी सी आर ओला पीसीआर ओला कौन सी टेक्निक है तो इसे बोला जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो कि पी सी आर है पॉलीमरीज चेन रिएक्शन उसके बाद ओला जो यहाँ लिखा गया है उसकी फुल फॉर्म होती है ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड लाइगेशन एसे लाइगेशन एसे तो ये टेक्निक है जिसका आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो बेसिकली uh, ये टेक्निक होती क्या है तो इसके अंदर क्या करते हैं पीसीआर सबसे पहले परफॉर्म करते हैं एम्पलीफाई करेंगे डीएनए को फिर उसके बाद ओला करेंगे ओला का मतलब क्या है इसमें बेसिकली हम ओला uh, जो होता है ओलिगो न्यूक्लियोटाइड लाइगेशन ऐसे इसमें लाइगेशन कराई जाती है दो ओलिगो न्यूक्लियोटाइड चेन्स की तो दो चेन्स हैं उनको आप साथ में जोड़ दोगे बाय डीएनए लाइगेज एंजाइम तो इसके अंदर ओला टेक्निक के अंदर टू ओलिगो न्यूक्लियोटाइड को हम लाइगेट कर देते हैं और लाइगेशन के लिए हमें चाहिए डीएनए लाइगेज एंजाइम

डी डीनेचुरेशन के बाद आपको क्या मिलेगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स मिलेंगे अब दो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स के साथ आप प्रोब को हाइब्रिडाइज करवा दो और प्रोब किस तरीके से हाइब्रिडाइज करेंगे तो दो प्रोब साथ में जुड़े हुए होते हैं उनकी हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो ये जो दो प्रोब साथ में जुड़े होते हैं ये डीएनए लाइगेज की हेल्प से जुड़े होते हैं उसके बाद आप उसे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के के साथ लाइगेट कर दो और अगर वहां पे सिंगल बेस पेयर मिसमैच भी होगा थोड़ा सा भी तो क्या होगा एंजाइम की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी लाइगेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगी तो अगर एक परफेक्ट मैच है तो उस केस में लाइगेशन आपको मिलेगी परफेक्ट मैच नहीं है तो लाइगेशन नहीं मिलेगी तो उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि डिजीज हुई है कि नहीं अगर परफेक्ट मैचिंग है तो डिजीज नहीं है वो पेशेंट नॉर्मल है अगर मिस मैच आपको दिख रहा है तो उसका मतलब वहाँ पे म्यूटेटेड सीक्वेंस जो है वो प्रेजेंट है इसके बाद अगर नेक्स्ट डिजीज की बात करें जिसकी हमें डिटेक्शन करनी है तो नेक्स्ट आप टेक्निक का यूज कर सकते हो नेक्स्ट डिजीज जिसको डिटेक्ट कर सकते हो वो है हीमोफीलिया तो हीमोफीलिया जो है इसे डिटेक्ट करने के लिए भी आप वेरियस टेक्निक्स का यूज कर सकते हो तो इसके लिए टेक्निक्स वही प्रोब ज्यादातर प्रोब हाइब्रिडाइजेशन से ही ज्यादातर डिजीजेस को हम डिटेक्ट करते हैं तो डीएनए प्रोब्स आप यूज कर सकते हो या फिर आर एफ एल पी परफॉर्म कर सकते हो क्योंकि हिंडी थ्री साइट्स होती हैं जो इनमें प्रेजेंट होती हैं पेशेंट में तो उसके बेसिस पे आप कर सकते हो या फिर आप पीसीआर टेक्निक का यूज कर सकते हो या फिर आप सीक्वेंसिंग कर सकते हो तो इन सारी टेक्निक से आप इजिली हीमोफीलिया को डिटेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास फिनाइल कीटोनूरिया डिजीज है जिसे आपको डिटेक्ट करना है फिनाइल कीटोनूरिया ये लास्ट डिजीज में आपको बता रही हूँ तो इसकी डिटेक्शन के लिए हम क्या क्या प्रोसीजर अपना सकते हैं तो जनरली फिनाइल कीटोनूरिया के लिए एक ही टेक्निक है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज डायरेक्ट सीक्वेंसिंग सीक्वेंसिंग करवा दो बस और कुछ हम नहीं कर सकते फिनाइल कीटोनूरिया के केस में तो उसमें जो भी ऑल्टरेशन है ज्यादातर एग्जॉन्स में होती है तो वो ऑल्टर्ड एग्जॉन जो है वो डायरेक्ट सीक्वेंसिंग से आपको पता चल जाएगा तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे हम बहुत सारी अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर्स जो है उनकी मोलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हैं आई होप कि आपको आज की क्लास में जो भी मैंने टॉपिक कराया है ये अच्छे से समझ आ गया हो अगर आपका कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पे मुझे लिख के जरूर बताना और आज की क्लास में हमने मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस के बारे में डिस्कस किया आगे आने वाली क्लासेस में कुछ और टॉपिक्स हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं जैसे एनएमआर टेक्निक के बारे में भी आप में से एक ने पूछा था तो वो भी डिस्कस करूंगी आगे आने वाली क्लासेस में टिल देन थैंक यू बाय